हाय, मैं डॉक्टर अरुण कन्नन हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई। इस वीडियो में हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस या बात या गठिया ये बीमारी के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिकली इसमें जब जॉइंट रिप्लेसमेंट्स करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये गठिया एक ऑटो इम्यून डिसीज़ कहते हैं, जिसमें हमारा शरीर का अपना टिश्यूज़ को बॉडी अटैक करता है या हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता है। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो जॉइंट्स में टिश्यूज़ होते हैं उसको हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता है, इसलिए इस बीमारी में बहुत सारा जॉइंट्स में एक साथ प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत लोगों को हाथ का जो जॉइंट्स है उसमें प्रॉब्लम होता है, एल्बोस, शोल्डर्स, एंकल, नी जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, ये सब में प्रॉब्लम हो सकता है। ये लोग जब उठेंगे सुबह उस समय ज़्यादा परेशानी होता है, बहुत समय लगता है इनको थोड़ा नॉर्मल चलने के लिए, यूजली आधे से एक घंटे लगता है। जब ऐसा प्रॉब्लम है यूजली एग्जामिन करते हैं, जॉइंट का मूवमेंट्स देखते हैं, स्वेलिंग है कि नहीं है देखते हैं, और कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, CRP, रूमेटॉइड फैक्टर जैसे ब्लड टेस्ट करके इसको डायग्नोस कर सकते हैं। जब डायग्नोसिस बन जाता है तो इसको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीट करने के लिए एक स्पेशल ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जिसको रूमेटोलॉजी कहते हैं, और रूमेटोलॉजिस्ट इसमें स्पेशलिस्ट हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को अर्ली स्टेज में जब पकड़ लिया तो मेडिसिन का अच्छा रिस्पॉन्स होता है, पर ये शुगर जैसा बीमारी है जिसको क्योर नहीं कर सकते हैं पर कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत लोग ये गलती करते हैं, दवाई शुरू करने के बाद कुछ दिन में साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा करके डर के इसको छोड़ देते हैं, मतलब ट्रीटमेंट को बंद कर देते हैं, बाकी कुछ और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के लिए जाते हैं जो इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है जब स्पेशलिस्ट के अंडर आप मेडिसिन ले रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट्स होने का चांसेस बहुत कम है और फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। जब ये मौका छोड़ दिया जॉइंट्स में डैमेज हो जाता है, दवाई नहीं लिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को नहीं कंट्रोल किया है, तो जॉइंट्स में धीरे धीरे स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। जब ये स्ट्रक्चरल डैमेज बन जाता है तो इसको दवाई से ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर घुटना में या हिप जॉइंट में वो स्ट्रक्चर बदल गया, पूरा ग्रीस ख़त्म हो गया, तो इसका जवाब मेडिसिन नहीं होता है, सर्जरी होता है। जब ये स्टेज में आते हैं बहुत लोगों को नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट का ज़रूरत पड़ता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जैसा ऑस्टियोआर्थराइटिस में एज लोग में करते हैं वैसा ही नी रिप्लेसमेंट होता है, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशंस के साथ इसको करते हैं, क्योंकि इन लोगों का हड्डी का कमज़ोरी भी होता है और उनका सपोर्टिंग लिगामेंट्स में भी कमज़ोरी होता है, उसके हिसाब से हम कुछ मॉडिफिकेशंस करके नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। एक लड़का था जिसका उम्र 13 साल में ये बीमारी शुरू हो गया, जब 13 साल में इसको जुवेनाइल आर्थराइटिस कहते हैं, और धीरे धीरे बीमारी बढ़ गया। ये बांग्लादेश में था और ठीक से ट्रीटमेंट नहीं ले पाया, और जब 17 साल हो गया था इनका जॉइंट्स में काफ़ी डैमेज बढ़ चुका था और ये चल नहीं पाया, व्हीलचेयर पे आ गया। उसके बाद 4 साल ऐसा ही रहा था और चेन्नई 4 साल के बाद आया। इधर हमारा रूमेटोलॉजिस्ट मिला था और हमसे भी कंसल्टेशन हुआ था, और हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि इनका जॉइंट्स में काफ़ी डैमेज हो चुका और मेडिसिन से काम नहीं होगा तो जॉइंट रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा। तो ये लड़का को चारों जॉइंट्स रिप्लेस करना पड़ा था, दोनों हिप जॉइंट्स, दोनों नी जॉइंट्स। ये करने के बाद इसका धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ था, टाइम लगा था पर स्टेडी इम्प्रूवमेंट हुआ था। 6 महीने एक साल के बीच में ये अपने आप बिना सपोर्ट को चलने लायक हो गया था और CD भी चल सकता था। उसके बाद इसने कॉलेज वापस ज्वाइन किया, पढ़ाई ख़त्म किया, उसके बाद उसका अभी रिसेंटली शादी भी हो चुका। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन समरी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ जिसमें बहुत सारे जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस करके इसको मेडिसिन के थ्रू ट्रीट करना ज़रूरी है। वो मौका छोड़ दिया तो जॉइंट्स में स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, जब स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है तब इसको जॉइंट रिप्लेसमेंट्स का आवश्यक है,
और जॉइंट रिप्लेसमेंट्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी बहुत सक्सेसफुली हो जाता है। थैंक यू।